चालू कर। अच्छा भैया, मैं गायिका सुनीता पाल, जिला मिर्जापुर की धरती से, एक छोटा सा विवाह प्रस्तुत बा। विवाह का शीर्षक जरा संदबद्ध, हमके पूरा विश्वास बा कि आप लोगों के जरूर पसंद आई। टैलेंट नगरी कोर से चार लाइन भूमिका मिलल मास्टर। कुदरती करिश्मा है क्या क्या दिखाता, कोई भेद पाता नहीं ऐसी माया। झुकाया स्वयं खुदा भी, समय के शिकंजा के ऐसी है साया। दिखाया चमत्कार बरदान जग में, तो संतों की बारी न जाती वृथा है। पंचम रही गर सही साधना तो मंजिल तक जाना गुरु की कृपा है। बा एक लाइन कवाली लगल मास्टर, तनी उठा के लेला। रिया से क्या बात है, आशिकाना भी है, आशिकाना भी है जिंदगी का फजा, आशिकाना भी है जिंदगी का फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। आशिकाना भी है जिंदगी का फजा, आशिकाना भी है जिंदगी का फजा, आशिकाना भी है जिंदगी का फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं गजल बन गई आपके सामने, मैं गजल बन गई आपके सामने, आप भी शौक से गुनगुना लीजिए। सुंदर कवि जी भी राहत अंदर भाव दिलन, कैसे मास्टर? बा क्या बात है। मरी तो जाना भी है, मरी तो जाना भी है जब तुम्हें एक दिन, मरी तो जाना भी है जब तुम्हें एक दिन, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। रियासे जाना नहीं चाहिए, मर तो जाना भी है जब तुझे एक दिन, हर किसी का दीवाना नहीं चाहिए। मर तो जाना भी है जब तुम्हें एक दिन, मर तो जाना भी है जब तुम्हें एक दिन, मर तो जाना भी है जब तुम्हें एक दिन, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए।
भाव भक्ति से होती सफल जिंदगी, भाव भक्ति से होती सफल जिंदगी। तो खुदा को भुलाना नहीं चाहिए, भाव भक्ति से होती सफल जिंदगी तो खुदा को भुलाना नहीं चाहिए। कहानी की शुरुआत मिडिल मास्टर। गुरु की गरिमती ने लोक से निराली है, गुरु की गरिमती ने लोक से निराली है, काल के गाल से निकाले लाने वाली है। मगधन रे सभ्य हद्रथ भूप ज्ञानी हो, मगधन रे सभ्य हद्रथ भूप ज्ञानी हो, उमारा माँ जिनके पास दुई रानी हो। होके निराश राजा गुरु के पास आए हैं, होके निराश राजा गुरु के पास आए हैं, होके निराश राजा गुरु के पास आए हैं, मुनि भर गए से दिल की बात तब बताए हैं। बाबूजी बात के समझला, बिहदत राजा रलन बहुत भारी राज बाबूजी राजधानी रहल, आ उनकर दुई औरत रहलिन उमा और रमा, कोई संतान का प्राप्ति नहीं हुई बाबूजी। धीरे धीरे चौथा पन आ गया। एक दिन मन में विचार करते हुए मन में सोचत हुन के हे भगवान, इतना राजपाट के करे खातिर अपने भार्गव गुरु से जाकर के आंखों में आंसू लेकर के विनती करना शुरू कर दिए के हे नाथ, हे गुरुवर, कोई उपाय लगावा, कोई युक्ति लगावा कि हम आदमी बन जाई। अरे बाप, हाई धन दौलत रुपया पैसा के करे खातिर। इतना बात बाबूजी जब सुनलन तो भइल का, उस समय एक लाइन गीत मिलल। क्या बात है कोनो दुल्हिन अपने दुल्हा से कलस कहलस के जी, ए जी सुना तनी कहीं बोला, कहीं सुना नया जमाना आ गईल, नया फैशन हो गईल, अरे कुछ हमहू को बदलबा बा, कैसे कलस तैयारी से संगरी हमना पहिना बराजा कहलस, सारी हमना पहिना बराजा ले लिया कहे ड्राइवर, सारी हमना पहिना बराजा ले लिया कहे ड्राइवर, सारी हमना पहिना बराजा ले लिया कहे ड्राइवर। लेकिन बड़ी सुंदर कवि जीव रहा कुंदर भाव दिलन, उसने राजा अपने गुरुवर के पास जा करके हाथ जोड़ के विनती करे लगलन कि हे स्वामी, हे गुरुजी, कोनो युक्ति लगावा, कोनो उपाय लगावा। लेकिन कैसे कहलन मास्टर, बा बोले आंसू वा बहाई राजा, बोले आंसू वा बहाई राजा, वृद्धा बाजी दिया हो बोले आंसू। बाटे राउर चरण में अरजी आके तोहरा बा मरजी है, अपना दुख वा सहाई हमारी, अपना दुख वा सहाई हमारी,
प्रीथा बाजी निजिया हो अपना तू का वासा है हमसे प्रीथा बाजी निजिया तू का वासा है हमसे प्रीथा बाजी निजिया। आंखों में आंसू लेकर के बाबूजी राजा बिहदत कहत हुन के हे नाथ कोनो युक्ति कोनो उपाय बतावा जिंदगी बेकार बा। इतना बात सुन करके गुरुवर बाबूजी भार्गव गुरु मन ही मन सोचत हुन के ठीक बा बेटा चिंता मत करा हम युक्ति लगावत है उपाय बताई। लेकिन कई समाचार संकेत बदल गई बाह बड़ी पुरान संकेत मिलल माई कहई कि बेटी नियर दिया हबई हो माई कहई कि बेटी नियर दिया हबई हो बपई कहई कि बड़ी दूर हो लेकिन बाबूजी उस समय होता है क्या मास्टर बारे से तैयारी रहे राजा के बतिया से छतिया छेदाई गईले राजा के बतिया से छतिया छेदाई गईले रतिया के कईले उपाय हो राजा का बात सुन करके छाती में बाबूजी से तीर लगता है उसी प्रकार से लग गया। मन ही मन बाबूजी सोचत हुन कि कौन युक्ति लगाई कौन उपाय बताई। लेकिन कैरन का साधना से अपने है एक फल सिद्ध कईले पन्ना सा कहाँ रे आखिर गुरुजी का भाईले हो पन्ना सा कहाँ रे आखिर गुरुजी का भाईले पन्ना सा कहाँ रे आखिर गुरुजी का भाईले फलवा के ले ही राजा आइले महलिया में फलवा के ले ही राजा आइले महलिया में आधा आधा रानी लिहली खाई हो बाबूजी गुरुवर एक युक्ति लगौलन भार्गव गुरु इहे युक्ति लगौलन हवन लगलन करावे हवन कुंड से बाबूजी एगो फल प्रकट भइल उ फल राजा बिहदरत को दे दिए और दे करके समझावत हुन के ए राजा ई फल ले जा करके अपने एक रानी के यह जोने सबसे ज्यादा प्यार करत होबा। इतना बतिया राजा सुलन हाथ में ले करके बाबूजी फल अपने भवन को चल दलन और वहाँ जब गईले रहो बात के भुला गए कि आखिर गुरुजी हमारे कहलन का आधा आधा बाबूजी फल काट करके उमा और रमा के खिया दिए। जब खिया दलन तो वही जैसे कहानी बिगड़ गई। कहानी का बिगड़ल मास्टर एक लाइन की लगल बारे शेर जिया जिया शेर हुआ गंगा जी के तले नहाइबा हरे गंगा जी के तले नहाइबा पतर तिरिया ना पई बरा जाए लेकिन बाबूजी उस समय भील का
जब काम बिगड़ गई राजा के जरा सा भी ध्यान ना भइल के आखिर हमार गुरुजी हमके काल समझौलन सारी कहानी को सारी बात को भूल गई। यही से कभी जी संकेत दिलन कैसे रानी ने का पाव भइली भारी रानी ने का पाव भइली भारी सुखला फूलवारी खिलला बा नौ रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे नौ महीना लगल बीते धीरे धीरे बीत गई ले जब नौ महीना धीरे धीरे बीत गई ले जब नौ महीना धीरे धीरे बीत गई ले जब नौ महीना उमा रमा के भइले गोदी में सुगनावा हो होली के कैसे के उतारी होली के कैसे के उतारी सुखला फुलवारी खिलला बा होली के कैसे के उतारी सुखला फुलवारी खिलला बा होली के कैसे के उतारी सुखला फुलवारी खिलला बा। बाबूजी धीरे धीरे नौ महीना बीत गई तो नौ महीना के बाद उमा और रमा की लड़का पैदा भइल। वो लड़का आधा आधा शरीर के बाबूजी आधा आधा शरीर के जब लड़का पैदा भइल बा बाबू सब पूरा महल के अंदर हाहाकार मच गए बाप रे बाप। इतना दिना के बाद उमा और रमा को बच्चा पैदा हुआ आधा आधा शरीर के। एक खबर राजा तक बाबूजी मालूम हो जाता है। मन मन सोचते सोचे लगलन के हे भगवान इतना दिन के बाद हमारे अंगना में खुशी आई हमारे घर में खुशी आई इस तरह से। लेकिन बाबूजी आंखों में आंसू ले करके राजा रोवत हो लेकिन कैसे यहाँ संकेत बदल गए बारे से अरे मोरे राम अरे विधानवा विधि के उल्टा हो गई विधानवा विधि के उल्टा हो गई रहले दोनों लाल के आधा आधा तनवाये रे हो तनवाये रे हो तनवा रहले दोनों लाल के आधा आधा तनवा विधानवा विधि के उल्टा हो गई। बाबूजी सब सगरो गांव जिला में फैल गई तो उमा और रमा की लड़का पैदा भइल बा आधा आधा शरीर के। लेकिन एक नौकरानी बाबूजी सारी कहानी देखत रहलिन और सुनत रहलिन जाके दोनों बच्चन के एगो कपड़ा में लपेट करके अले जाके बाबू एक जंगल में पवार देलिन। फेंक दिन तो उस समय कवि जी लिखलन का बड़ी पुराण गीत लगल बारो सेर जिया सेर हुआ कैसे सनिया से गड़िया छूटली राजा। लेकिन बड़ी सुंदर कवि जी विराग अंदर भाव दिलन उस समय भइल का बारे शेर ऐसा कोई भी संगे कर रहे कि ना चाहिए लेकिन कुछ लोग सोचे रहे के जाए द छोड़ा टावा। लेकिन उस समय भइल का जकर करम रही है जकरा करम रही है अरे फूटली बाबू बिलाई जाई धनवा जुटल ए बाबू बाबू
बारे शेर घूमत फिरत अरे जरा नाम कड़ैनिया आधा आधा लड़का ने कर देख ली बदनिया हो बिलाई जाई धनवा चूतल ए बाबू बाबू जी कवि जी संकेत दलन जेकर करम रही है फूटल ये बाबू अब बिला जाई धनवा जूटल ये बाबू जेकर करम फुटा रही बाबू वही का जूटा हुआ धन बिलाई उस समय बाबू जी उ लड़का जब जंगल में फेंक गई हो जरा नाम की डाइन घूमत घूमत वही जंगल में पहुंच गई नी जब पहुंच गई दोनों लड़का के देखलिन तब उठा के देखे लगलिन कहीं अरे लड़का बात बड़ा सुगर बिया हाथ में लेके मन ही मन सोचे थे कि हे के खाई के हे के खाई लेकिन इधर देखा दोनों लड़िकवन के हाथे में लेके मन ही मन सोचे थे लेकिन संकेत मिलल पहपर से बिरथा नहीं संतन के बरदानवा मानवा माने राम बिरथा नहीं संतन के बरदानवा मानवा माने राम लगी सताने दोनों लाल के तरवा मनवा माने राम होनी के होनी कर दे ए सिहरी की माया हो धर को धर से लगी सताने एक हो गई काया हो बिहली डाइन राजा के सुदानवा मनवा माने ना जरा सिंध पापड़ लाल कर नमावा मनवा माने ना बाबूजी जरा नाम की जाइन ओ दोनों लड़का बाबू भगवान का नाम लेकर के सटा देलिन जब सटा देलिन बाबू दोनों शरीर यहाँ इकट्ठा हो गई शरीर फर्स्ट क्लास बन गई सुंदर लड़का लगन लगे देख करके जरा नाम की डाहिन मोहित हो जाती है करे बाप रे बाप इतना सुघर लड़का वो लड़का के ले करके बाबू राजसभा के अंदर बिहदर्थ राजा के पास पहुंच गई नी जब वहाँ पहुंच गई नी कहली अरे वो राजा क्यों इतना चिंता है आखिर बात का बा आंखों में आंसू ले करके राजा लगन बतावे कि सुना हमार कहानी सुन बू कहीं बोला कहीं तनी दिन के बाद दोनों रानी के लड़का पैदा भइल आधा आधा शरीर के कहे चिंता मत करा है यह लड़का बन देखलन तो बाबू आंखों से आंसू बंद हो गए मन ही मन बड़ा खुश भइलन और धीरे से लड़का टेका देलिन और उनके कनवा में कुछ मंत्र फूके लगलिन जब टेका के लड़का बाबू जी वहां से चल देलिन वहां जब चल दिले तो ओश में भइल का आल्हास प्रमाण मिलल बा क्या बात है विधि के विधान बा अरे विधि के विधान बा महान दुनिया में भैया ये कर पहचान कर संता श्रीमा माया मंत्र देहली तब लाल के दहिनिया बाबू धीरे धीरे हो ही गईला बाबू वासाया जाई पता काला हाँ रावे दुनिया में ये भैया देव दान दानो होई गईले परेशान
बाबूजी, वो लड़का का नाम बताया गया जरा सिंह, वो जरा नाम की डाइन से जुड़ा करके जरा सिंह बताया गया। धीरे धीरे लड़का सयान हो लगल, जब सयान हो गया बाबू इतना बड़ा लड़का बन गया कि कोई उनका टक्कर ले वाला ना भाव। लेकिन बाबूजी इधर देखा, कंस का ससुर रहलन, कृष्ण भगवान भी बाबूजी लड़ाई कलन और हूं से हार करके भाग गलन कृष्ण भगवान। अब वहां जब भगलन तो कहां गईलन, जाके क्षीर सागर बसौलन। ये जैसे कहानी मोर ले ले, कैसे मास्टर आखिर लाइन मिलल। क्या बात है, क्या बात है, मंगा रे भीम समर में अब हनी हनी के दादावा, लेकिन हारे नमुदैया छिपलवा भेदावा, बाबूजी उस समय भैल का आखिर लड़ाई हुआ। आखिर लड़ाई के करे साथ है भैल, भीम के साथ है भैल। लेकिन भैल का वो समय दिहले कन्हैया यापन, अरे नितिया लगाई सिक्किया का चीर दिया भेदिया बताई, छिपलवा भेदावा, बाबूजी भीम और जरा सिंह का जब लड़ाई भइल, भीम उठा के पटक दे शरीरिया, शरीरिया फाड़ के फेंक दे, लेकिन तब वो शरीरिया बरकरार हो जाए। इतने में कन्हैया जी बैठल हुआ कलन के, ये भीम तने हमारे वरी देखा, हमारे वरी देखा तब न कहानी के पूरा निचोड़ मालूम होई कि कैसे मरी। धीरे से बाबूजी सीख ले लेलन, सीख ले करके फाड़ देलन। अब फाड़ के बाबूजी हाथ ऐसे कर लेलन, ऐसे करके बाबूजी एक और बात बतौलन, कहे का बतौलन मास्टर, दाए बाए कई के दोरो अंगवा पवारे, सटल नहीं तनावा विधानावा के मारे, हारे आंसू कन्हैया छिपली बाबे दावा, लेकिन हारे नमु दैया छिपल बाबे दावा, कहलन दाए बाए कई के शरीर फाड़ के फेंक दा, शरीर ना टकराई। बाबूजी तुरंत भीम दाए बाए कई के शरीरिया फाड़ के फेंक देलन। जब शरीरिया फाड़ के फेंक देलन हो, जब भुजा से भुजा जब लगल टकराए तो शरीर कहाँ सटता, उसी ढंग से बाबूजी उनकर अंत हो गई। आखिर लाइन गुरु घराने का पर्चे मिलल कैसे मास्टर, क्या बात है, गुरु बिहारी पत्तू छे पर मगध ले रे इसकी गाथा। आख लेन गुरु घराने का परिचय मिलल बा कैसे, अरे गुरु बिहारी पत्तू छे पर मगध ले रे इसकी गाथा, काशी बुल्लू सुखनंदन अंबरी के बीच लिखा था,
विधानवा विधि के उल्टा हो गई। अरे विधानवा विधि के उल्टा हो गई। सुनीता पंचम पाल के गूंजे गीत गगरवा हो विधानवा विधि के उल्टा।